हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ऊंचाई को विजेताओं की पहचान माना जाता है। प्राचीन काल से ही राजा विजय के उपरांत ऊंचे ऊंचे पिरामिड और भव्य इमारतों का निर्माण कराते थे ताकि वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सके। वर्तमान समय में भी दुनिया में कई ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है जो उस देश की उन्नत इंजीनियरिंग एवं बेहतरीन आर्किटेक्ट की पहचान बनी हुई है। साथ ही ये ऊंची और भव्य इमारतें दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में। बुर्ज खलीफा 828 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर है। ये इमारत दुबई में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2004 से शुरू होकर 2009 तक चला है। बुर्ज खलीफा के निर्माण में $1.5 बिलियन का खर्च आया है। ये इमारत इतनी विशाल है कि इसे 100 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस इमारत के निर्माण से दुबई में टूरिस्ट का अट्रैक्शन काफी बढ़ गया है। नंबर दो पर है शंघाई टावर। शंघाई टावर 632 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इस बिल्डिंग में 133 फ्लोर उपलब्ध है। शंघाई टावर चीन के शंघाई शहर में मौजूद है। इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे तेज एलिवेटर भी लगा हुआ है जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इस बिल्डिंग में होटल, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस और पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। अब नंबर तीन पर बात करेंगे मक्का रॉयल टावर की। मक्का टावर 601 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में कुल 120 फ्लोर मौजूद है। ये इमारत सऊदी अरब के मक्का शहर में होटल समूह का एक टावर है। इस इमारत में 63 मीटर डायमीटर की एक विशाल घड़ी लगी हुई है। इसी कारण इस बिल्डिंग को दुनिया के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर होने का भी गौरव प्राप्त है। नंबर चार पर है पिंग एंड फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग 599 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में भी 120 फ्लोर उपलब्ध है। ये बिल्डिंग चीन के गवांगजू प्रांत में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2010 से 2017 तक चला। इसे बनाने में $2 बिलियन का खर्च आया था। अब नंबर पांच पर बात करेंगे लोटे वर्ल्ड टावर की। ये 556 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची इमारत है। इस बिल्डिंग में 129 फ्लोर है। ये इमारत साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में स्थित है। इसका निर्माण 210 से शुरू होकर 2010 तक चलता रहा। इस बिल्डिंग में ऑफिस एंड कई बेहतरीन होटल मौजूद है। नंबर सिक्स, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 546 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की छठी सबसे ऊंची इमारत है। इस बिल्डिंग में 99 फ्लोर है। ये इमारत अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इस बिल्डिंग को 26/11 में ध्वस्त हुई बिल्डिंग के स्थान पर बनाया गया। इसके निर्माण में $4 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च आया था। दोस्तों, इस इमारत का इस्तेमाल ऑफिस, कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। नंबर सेवन, CTF फाइनेंस सेंटर। ये 530 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सातवीं सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में 116 फ्लोर है। ये बिल्डिंग चीन के गवांगजू प्रांत में स्थित है। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल शॉपिंग मॉल, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स एवं होटल के रूप में किया जाता है। नंबर एट, चीन जुक टावर। जुक टावर 528 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की आठवीं सबसे ऊंची इमारत है। इस बिल्डिंग में 108 फ्लोर है। ये बिल्डिंग चीन के बीजिंग में स्थित है। ये बिल्डिंग एक मल्टी यूज बिल्डिंग है। इसका इस्तेमाल ऑफिस, अपार्टमेंट्स एवं होटल के लिए किया जाता है। नंबर नाइन, ताइपे वन जोरी वन टावर। ताइपे टावर 509 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की नौवीं सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में कुल 106 फ्लोर है। ये बिल्डिंग ताइवान के ताले शहर में स्थित है। इसी का दूसरा नाम वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर भी है। इसका निर्माण 1999 से शुरू होकर 2004 तक चलता रहा। 2004 से 2010 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी रही, परंतु 2010 में बुर्ज खलीफा ने इसे पीछे छोड़ दिया। और अंत में है नंबर 10, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 402 मीटर है। ये चीन के शंघाई शहर में स्थित है। इस बिल्डिंग में 101 फ्लोर है। ये बिल्डिंग 2008 में बनकर तैयार हुई थी।
तो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी बिल्डिंग में घूमना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। नमस्कार।